roast it properly in low flame. See. जब दाल हल्का हल्का स्मेल छोड़ेगी तब आप समझ जाओगे कि ये रोस्ट हो रहा है अच्छे से। लो फ्लेम में रखिएगा ताकि ज़्यादा ना जले, जलना नहीं चाहिए दाल, नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा। अच्छी खुशबू आ रही है, दैट मीन्स लगभग थोड़ी हो गई है रोस्ट। देखिए दाल थोड़ी हल्का सा ब्राउनिश कलर हो गया है, इसको हम अभी निकाल देंगे। देखिए निकाल दिया, अभी बहुत गर्म है, पानी डालिए, देखिएगा बहुत धुआं निकलेगा, थोड़ी ध्यान से कीजिएगा ताकि हाथ में धुआं ना लगे। अब इसको अच्छे से धो लीजिए, एक दो बार धो लीजिए। ले लिया कुकर, कुकर में दाल, ठीक है, अब लौकी जो काट के रखा था वो भी डाल देंगे। ये आज हम बना रहे हैं लौकी और मूंग दाल की, मूंग दाल की सब्जी, सब्जी बोल सकते हो या फिर मूंग दाल भी बोल सकते हो लौकी के साथ, ठीक है। अब हम नमक देंगे स्वाद अनुसार, ज़्यादा नहीं डालेंगे, फिर ज़्यादा नमक हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम। बस फिर डालेंगे एक मग या क्योंकि लौकी से भी थोड़ा पानी छोड़ेगा ना, उतना ज़्यादा भी नहीं डालना। हो गई, अब बैठा देंगे। मीडियम हाई, थोड़ा सा मीडियम हाई में रखेंगे, बस चार से पांच सीटी देने लीजिए, इसके बाद फिर दिखाएंगे आपको। सीट नाउ है ओपन द लिड, ओके, दाल इज फुल्ली कुक्ड नाउ, आई विल ऐड दिस मच ऑफ जिंजर पेस्ट, ऐड करेंगे हल्दी, टर्मरिक, स्टिर इट प्रॉपर।
कर ली, अच्छे से मिक्स कीजिए। अभी हम लोग ऐड करेंगे मेथी एंड मस्टर्ड सीड्स, फेनुग्रीक सीड्स एंड मस्टर्ड सीड्स। ढक देंगे क्योंकि गरम तेल में जब आप मस्टर्ड सीड दें तब एकदम फूट फूट के निकलता है, तो थोड़ा सा ढक देंगे। हो गए, अब दो तेज पत्ता, ये दाल को हिला के डाल दो। हो गए, ढक देंगे। और थोड़ा सा चीनी भी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, बस इतना, ज़्यादा नहीं। That's it. ठीक है, अब ढक देंगे, उबाल आने तक वेट करेंगे। हो गया हमारा दाल। मैंने यहाँ पे एक 4-5 मैंने ऐड किया वो नींबू का पत्ता ताकि अच्छा स्मेल, आपके पास है तो आप डालो, नहीं तो ऐसे ही ठीक है, नो प्रॉब्लम। नींबू का पत्ता डालने से अच्छा स्मेल आता है, बस उतना ही है। अब गया हमारा दाल। Thank you for watching.